हाय एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्क्रू पंप का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग को डिस्कस किया था, जिससे कि हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पंप जो हमें पढ़ना है, लास्ट है पंप, ये पिस्टन पंप आपके जो सिलेबस में दिया हुआ है, लास्ट पंप है पिस्टन पंप, उसको हम लोग आज देख लेते हैं। इसका क्या कंस्ट्रक्शन है, कैसे ये वर्क करता है, सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट में इसका एनिमेशन के फॉर्म में भी देखेंगे कैसे कैसे यहाँ पर फ्लूड इन करता है और कैसे कैसे वो फ्लूड आउट होता है, डिस्चार्ज होता है। तो शुरू करते हैं, फर्स्ट इमेज हम लोग देख लेते हैं। सारे लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है, आप वहाँ चाहे तो उस लिंक पर क्लिक करके वो नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारी चीज़ें कवर की गई है, हैंड रिटन नोट्स आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। पहले सबसे पहले इस फिगर से हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, फिर वर्किंग के लिए अलग फिगर को प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, ये जो शाफ्ट है वो जहाँ से मोटर कनेक्टेड होता है, जो कॉमन शाफ्ट है, जो पंप का भी शाफ्ट है, जिससे कि ये रोटेट होता है, यहाँ से मोटर मान लीजिए हमने लगा दिया, ये ड्राइव जिसके वजह से ये रोटेट हो रहा है। अब इसके बाद देख लेते हैं, ये सेकंड जो दे रहा है वो श्वेस प्लेट है, एक प्लेट होता है जो इंक्लाइंड फॉर्म में रखा जाता है। यहाँ पर क्यों इंक्लाइंड होता है वो आगे हम लोग देख लेंगे। श्वेस प्लेट होता है, इस श्वेस प्लेट पर नंबर ऑफ पिस्टन कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर का पिस्टन दिख रहा है, दो ही पिस्टन यहाँ पर दिख रहा है, बट आपको जब आगे हम लोग इमेज की बात करेंगे, यहाँ पर आपको कटिंग करके दिखाया गया है तो दो ही पिस्टन को दिखाया गया है, बट जब आगे इमेज देखेंगे तो वहाँ पर आपको मोर देन टू पिस्टन नज़र आएगा। नंबर ऑफ इस श्वेस प्लेट में नंबर ऑफ पिस्टन कनेक्टेड होते हैं और वो सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पर रहते हैं, मतलब इक्वल रेडियस पर वो कनेक्टेड होते हैं। ये श्वेस प्लेट जैसे ही मोटर रोटेट होता है, ये शाफ्ट जो होगा वो पंप शाफ्ट रोटेट होगा, जिसकी वजह से ये श्वेस प्लेट रोटेट होते रहता है। अब श्वेस प्लेट जो होता है उसका स्वेस प्लेट पर पिस्टन तो कनेक्टेड है, तो पिस्टन का वन एंड जो होता है वो स्वेस प्लेट से कनेक्टेड होता है और अदर एंड जो पिस्टन का होता है, जो ग्रीन कलर का आपको पिस्टन दिख रहा है, वो अदर एंड जो होता है वो सिलिंड्रिकल ब्लॉक में अंदर में रहता है, इंसर्टेड रहता है और उसी सिलिंड्रिकल ब्लॉक में वो रेसिप्रोकेट करते रहता है। कैसे रेसिप्रोकेट करता है आगे हम लोग अभी देखेंगे। उसके बाद देख लेते हैं पिस्टन चैम्बर आपको दिख रहा है, जहाँ पर पिस्टन होगा, और पिस्टन चैम्बर के बाहर वाला जो ब्लॉक है वो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है और यहाँ पर वाल्व है, वाल्व प्लेट है। अब आगे देख लेते हैं कैसे कैसे होता है। यहाँ पर इंक्लिनेशन जो है वो ऐसे दिया हुआ है, मतलब यहाँ से एंगल बना हुआ है, हो सकता है वो दूसरे फॉर्म में भी हो, तो जैसे ही इंक्लिनेशन चेंज होगा वहाँ पर डिस्चार्ज और इनपुट साइज भी चेंज हो जाएगा, वो आगे हम लोग समझ लेंगे। फिलहाल अब इस इमेज में हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पर वर्क करता है। यहाँ पर इंक्लिनेशन आप देख रहे हैं कि अपोजिट दिया हुआ है, तो वो जैसे भी रहेगा इंक्लिनेशन उसके हिसाब से डिस्चार्ज और इनटेक स्ट्रोक जो होता है वो वैरी करता है। अब ये भी एक तरह का स्वेस प्लेट पिस्टन पंप ही है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा 3D में दिखाया गया है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा ये जो दिख रहा है राउंड कलर का, राउंड है जो तो थोड़ा सा आपको ट्रांसपेरेंट के फॉर्म में दिखाया गया है, बिकॉज अंदर का पिस्टन आपको क्लियरली नज़र आए, तो वो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है। अब सिलिंड्रिकल ब्लॉक में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर नंबर ऑफ पिस्टन नज़र आ रहे हैं, कितने पिस्टन हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिस्टन को यहाँ पर शो किया गया है, 6 पिस्टन इसमें इंसर्टेड है। वन एंड जो है वो स्वेस प्लेट से कनेक्टेड है, ये जो इंक्लाइंड है वो स्वेस प्लेट है और अदर एंड जो है वो सिलिंड्रिकल ब्लॉक में इंसर्टेड रहता है। अब होता क्या है यहाँ पर, ये स्वेस प्लेट जो होता है वो कुछ एंगल पर रहता है, तो कुछ एंगल पर रहने से बेनिफिट क्या होता है कि ऊपर वाला जो पिस्टन है, ऊपर वाला जो पिस्टन सिलिंड्रिकल ब्लॉक में है, वो जैसे ही रोटेट होकर नीचे आना शुरू होता है तो ये इंक्लाइंड होने की वजह से वो वाला पिस्टन जो होता है वो पीछे के साइड जाना होता है, मतलब वो पुश होने लगता है, अंदर में वो पुल होने लगता है, मतलब वो जो भी अंदर में चैम्बर है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं यहाँ पर ऐसे इसको इंक्लाइंड किया हुआ हूँ और यहाँ पर नंबर ऑफ पिस्टन कनेक्टेड है ऐसे ऐसे और ऐसे मान रहा हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा लास्ट वाला जो होगा वो थोड़ा छोटा हो जाएगा बिकॉज ये और नीचे है, जैसे जैसे वो नीचे आएगा वो इंक्लाइंड है तो थोड़ा सा बैक साइड ही रहेगा, वो ऐसे रहेगा। अब मान लीजिए कि ये सिलिंड्रिकल ब्लॉक है, ऐसे सिलिंड्रिकल ब्लॉक है इस टाइप का, ये मतलब 2D में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जैसे ही ये फर्स्ट पिस्टन मान रहे हैं रोटेट हो रहा है, यहाँ पर स्वेस प्लेट में जैसे हमने शाफ्ट को रोटेशन दिया, अब ये स्वेस प्लेट क्या होगा, रोटेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये फर्स्ट वाला पिस्टन सेकेंड वाले पिस्टन की पोजिशन पर आएगा तो आगे में आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा वॉल्यूम, यहाँ पर जो सिलिंड्रिकल ब्लॉक है वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा, बिकॉज वो पिस्टन तो पीछे आ रहा है, अब एंगल पर कुछ प्लेट इंक्लाइंड है, जैसे ही वहाँ पर रोटेशन मिलेगा तो फर्स्ट वाला पिस्टन जब सेकंड वाले पिस्टन के पोजीशन पे आएगा तो सिलिंड्रिकल ब्लॉक में थोड़ा सा वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, वहाँ पर थोड़ा सा वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो भी इनलेट साइड का लिक्विड है वो अंदर में इन कर जाएगा
उसी तरह से लास्ट पोजीशन पे अब हम लोग मेन फिगर पे आते हैं, जो थर्ड वाला पिस्टन यहाँ पर नजर आ रहा है, अब ये वाला थोड़ा सा और अंदर साइड चला गया, और अंदर का साइड पुल हो गया, तो यहाँ पर और कंप्लीट लिक्विड फील हो गया। जो सबसे लास्ट पोजीशन पर रहेगा वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट होगा, और जो भी लिक्विड होगा वहाँ पर अंदर इन कर जाएगा। अब जैसे ही ये हाफ साइड से जब सेकंड साइड पर इन करेगा, तब क्या होगा, धीरे धीरे अब वो पिस्टन जो भी फर्स्ट पिस्टन था, जो लास्ट पिस्टन यहाँ पर जो नीचे वाले पिस्टन पे पोजीशन पे आ गया है, अब धीरे धीरे वो यहाँ पर इस वाले पिस्टन के पोजीशन पे आएगा, जिससे कि उसका वॉल्यूम अब डिक्रीज होगा, और ऊपर जाएगा तो और वहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज होगा, और ऊपर चला जाएगा तो और वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इस साइड जो है, जो ब्लू कलर से दिखाया गया एरो, ये इंटेक साइड है। जैसे जैसे नीचे आ रहा है वॉल्यूम वहाँ पर इंक्रीज कर रहा है, वहाँ पर इनलेट साइड है, वो वहाँ पर जो भी लिक्विड है जिसे हमें पुश्ड करना है या पम्प्ड करना है, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होगा, और वो पिस्टन और सिलिंड्रिकल ब्लॉक के बीच में वो इंसर्ट होते जाएगा, लिक्विड वहाँ पर फील होता चला जाएगा। और जैसे ही ये सब हाफ के इस साइड जाएगा तो वो डिस्चार्ज साइड होगा, वहाँ पर वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होगा, पिस्टन आगे की तरफ पुश होने लगेगा, वो लिक्विड को पुश करने लगेगा, जिसके वजह से वो डिस्चार्ज साइड है, वहाँ से पाइप कनेक्टेड होगा और वो पिस्टन को पुश करते हुए हाई प्रेशर के साथ बाहर निकाल देगा। तो इसका थोड़ा सा और हम लोग इमेज देखते हैं, थोड़ा सा वैरायटी ऑफ इमेज देखेंगे, तब थोड़ा सा आपको क्लियर नजर आएगा, 2D में भी 3D में भी। जैसा मैंने इमेज बनाया था अभी वो आपको दिख रहा है, यहाँ पर दो पिस्टन दिखाया गया है ऊपर वाले पोजीशन पे, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पर इंक्लिनेशन जो है वो इस साइड कर दिया गया, अभी जो हम लोग इमेज देख रहे थे उसमें इंक्लिनेशन अलग है, मतलब इस साइड है। तो यहाँ पर क्या था, ऊपर में ही वॉल्यूम कम था, नीचे में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ज़्यादा था। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, वो आपका इंक्लिनेशन आपको सेट करना रहता है, आप जैसे सेट कर लो एक बार, आपका पिस्टन पंप मान लीजिए कि हम लोग का इंक्लिनेशन ऐसे है, तो इस केस में क्या होगा, ऊपर में ही वॉल्यूम ज़्यादा होगा और नीचे में वॉल्यूम सबसे कम होगा, मतलब यहाँ पर कम्प्लीटली जो लिक्विड होगा वो बाहर की तरफ डिस्चार्ज हो जाएगा। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर अब इसको ये फ्रंट व्यू उसका दिख रहा है मान लीजिए, अब इसको साइड से हम देख रहे हैं, साइड से देखने पे कैसा नज़र आ रहा है, जैसे ही पिस्टन मान लीजिए फर्स्ट पिस्टन यहाँ पर है, अब जैसे जैसे ये रोटेट होकर ऊपर जाना शुरू हुआ तो यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता गया, तो इस साइड जो होगा हाफ इस साइड, ये कंप्लीट आपका इनलेट साइड हो जाएगा, मतलब वहाँ पर फ्लूड इन कर रहा है उस पिस्टन और सिलिंड्रिकल ब्लॉक के बीच में जो कैविटी है, जो गैप है जिसमें वो रेसिप्रोकेट कर रहा है पिस्टन, उसी में फ्लूड इन कर रहा है। अब जैसे ही वो हाफ के बाद अब इधर जाने लगेगा तो वो क्या होगा, पिस्टन अब आगे की तरफ बढ़ने लगेगा, पिस्टन लिक्विड को पुश करना शुरू करेगा, पम्प्ड करना शुरू करेगा, वो डिस्चार्ज साइड वो कम्प्लीटली बाहर निकाल देगा। तो यही इसका 2D में दिखाने का मतलब यही था, साइड व्यू दिखाने का मतलब। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे कैसे होता है, एक वन हाफ जो होता है वो कम्प्लीट एंट्री साइड होता है, और वन हाफ सेकेंड हाफ जो होता है वो कम्प्लीट एग्जिट साइड और डिस्चार्ज साइड होता है। अब ये एंगल पे को डिपेंड करता है, तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही रोटेशनल एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मतलब मोटर को रोटेट करना, मोटर में एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, वो मैकेनिकल एनर्जी सप्लाई करेगा इस शाफ्ट में, इसके वजह से स्ट्रेस प्लेट रोटेट होने लगेगा, तब क्या होता है, पिस्टन यहाँ पर रेसिप्रोकेट होने लगता है, मतलब वो रोटेशन के साथ साथ वो नीचे आता है, और पिस्टन जो होता है एक बार ये वन साइड में क्या होगा, पुश बैक होगा, और जब सेकंड डिस्चार्ज साइड जाएगा तो वो एक पिस्टन के बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या होगा, बाहर की तरफ उसको एग्जिट करते हुए बाहर निकाल देगा। अब यहाँ पर इसका एनिमेशन के फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे हो रहा है। तो ये इंटेक साइड है, उसी इमेज को यहाँ पर दिखाया गया है एनिमेशन के फॉर्म में, ये इंटेक साइड है, और वो उधर का पोर्शन जो है वो डिस्चार्ज साइड है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है वहाँ पर लिक्विड, अब देखिएगा यहाँ पर लिक्विड फील होगा, फर्स्ट वाले पिस्टन को हम लोग देखेंगे सिर्फ, जैसे जैसे नीचे आ रहा है वहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और नीचे गया और नीचे गया, वहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता चला जा रहा है, कलर देखिए अब चेंज हो रहा है, अब वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, अब डिस्चार्ज साइड वो जाएगा, वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था, अब डिस्चार्ज साइड जैसे जैसे जा रहा है वो वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है उस पिस्टन और सिलिंड्रिकल ब्लॉक के बीच में, वो लिक्विड को पुश करते हुए बाहर निकालता चला जा रहा है। सिर्फ एक टाइम पे एक पिस्टन को हम लोग देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब देखिए स्पीड में इसको रोटेट करके दिखाया है कैसे हो रहा है, उस साइड जा रहा है डिस्चार्ज हो जा रहा है, इस साइड आ रहा है वो वहाँ पर रिमूव हो जा रहा है। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं, आप लोग को क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर कैसे कैसे यहाँ पर होता है। फिर से एक बार देखते हैं इसको, फर्स्ट हाफ जो है वो हमारा इनलेट है यहाँ पर इस साइड, तो इनटेक हो रहा है, यहाँ पर इनटेक दिखा दिया, अब इस साइड जो हो रहा है वो डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसको वन बाय वन फर्स्ट वाले पिस्टन को हम लोग सिर्फ इस वाले पिस्टन को देखेंगे कैसे कैसे हो रहा है। अभी पिस्टन यहाँ पर रोटेशन हो रहा है, तो पिस्टन क्या हो रहा है, बैक साइड जा रहा है, मतलब पुल यहाँ पर पुल हो रहा है। अब जैसे जैसे नीचे पहुँचा, अब सबसे लास्ट पोजीशन में जैसे पहुँच जाएगा तो वो कम्प्लीटली फील हो जाएगा, और सबसे मैक्सिमम एंगल पर वो मतलब मैक्सिमम बैकवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, लास्ट पोजीशन पर रहेगा। अब जैसे जैसे अब रोटेशन हाफ के बाहर जाएगा, हाफ के बाद होगा, अब क्या होगा, पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, जिसके वजह से इधर का जो पोर्शन है वो डिस्चार्ज साइड है, वो पाइप से कनेक्टेड होगा, वो बाहर लिक्विड को कम्प्लीटली डिस्चार्ज कर देगा, और इस साइड जो होता है वो इनलेट साइड होता है, यहाँ पर लिक्विड सप्लाई होता है,
और इसका डिस्चार्ज साइड होता है, यही इसका मेन वर्किंग है। तो सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है। अब इसको पॉइंट वाइज हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है द पिस्टन पंप आर यूज फॉर हाई प्रेशर एप्लीकेशन, हाई प्रेशर एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा है बिकॉज ये पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। अब सेकंड देख लेते हैं, इट हैज़ अ रोटरी यूनिट, इसके पास एक रोटरी यूनिट होता है विच यूजेज द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप टू प्रोड्यूस फ्लूड फ्लो। इसके पास रोटरी यूनिट होता है, जो स्वैश प्लेट है वो हमारा रोटरी यूनिट है, जिसके वजह से क्या होता है वहाँ पर एक तरह का रेसिप्रोकेटिंग पंप का प्रिंसिपल को यूज़ किया जाता है, बिकॉज वहाँ पर पिस्टन जो है वो जैसे जैसे स्वैश प्लेट रोटेट होगा तो पिस्टन जो होता है वो रेसिप्रोकेट करते रहता है उस सिलेंड्रिकल ब्लॉक में, जिसके वजह से फ्लूड जो होता है वो फ्लो करता है। इंस्टीड ऑफ यूजिंग अ सिंगल पिस्टन दीज पम्प्स हैव मेनी पिस्टन सिलेंडर कम्बिनेशन, यहाँ पर एक पिस्टन यूज़ करने के बजाय हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ पिस्टन कनेक्टेड रहता है, पिस्टन सिलेंडर का कम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। आप ऑलरेडी देख लिया हमने 6 वहाँ पर पिस्टन यूज़ किया था और उसके हेल्प से हम लोग वहाँ पर पम्प्ड कर रहे थे लिक्विड को। द पार्ट ऑफ द पम्प मैकेनिज्म रोटेट्स अबाउट अ ड्राइव शाफ्ट टू जनरेट द रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यहाँ पर क्या होता है एक ड्राइव शाफ्ट होता है या बोल सकते हैं मोटर से जो हमें एनर्जी मिल रही है उससे हम लोग यहाँ पर रोटेशन जनरेट करते हैं, जिसके वजह से वहाँ पर स्वैश प्लेट होता है, वहाँ पर फिर हम लोग पिस्टन को उस प्लेट उस सिलेंडिकल ब्लॉक में रेसिप्रोकेट करवाते हैं, विच ड्रॉ द फ्लूड इन टू इच सिलेंडर वन बाई वन, जिसके वजह से इनलेट का साइड में फ्लूड जो होता है वो ड्रॉ करता है। आगे देख लेते हैं कैसे होता है, इनलेट के साइड में तो वो आ गया। अब देखते हैं, इन दिस पंप देर इज अ स्वैश प्लेट ऑन विच नंबर ऑफ पिस्टन आर कनेक्टेड एट इक्वल डिस्टेंस, ऑलरेडी हम लोग देखा स्वैश प्लेट होता है जिस पर नंबर ऑफ पिस्टन जो होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं नंबर ऑफ पिस्टन फ्रॉम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्वैश प्लेट, स्वैश प्लेट के सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पे वो कनेक्टेड होते हैं, मतलब इक्वल पे डिस्टेंस पे रहेंगे वो। वन साइड ऑफ द पिस्टन इज कनेक्टेड ऑन द स्वैश प्लेट, एक साइड पिस्टन का जो होता है वो स्वैश प्लेट से कनेक्टेड होता है और अनदर साइड जो होता है वो सिलेंड्रिकल ब्लॉक में इंसर्टेड होता है, ये भी हमने ऑलरेडी देख लिया। सारे पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए थियोरी फॉर्म में आपको बता दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो नोट्स यहाँ से बना सकते हो, अलग से आपको नोट्स मतलब बनाने की जरूरत नहीं है, इसी से देख कर आप बना सकते हो, इसी लैंग्वेज को आप लिख सकते हो सिंपल लैंग्वेज में। व्हेन स्वैश प्लेट मेक्स सम एंगल देन अपर पिस्टन पुल बैक एंड द लोअर पिस्टन पुश फ्रंट, तो अगर इस टाइप से हम एंगल बनाते हैं स्वैश प्लेट का, ऐसे बनाते हैं स्वैश प्लेट, मान लीजिए हम लोग इंक्लाइंड ऐसे करते हैं, ये केस को आपको यहाँ इस केस को ये बारे में यहाँ पर बताया गया है, दोनों केस एक बार में वैलिड नहीं होगा। एंगल अगर हम लोग ऐसे लेते हैं तब क्या होगा, अपर वाला जो पिस्टन है वो पुश बैक होगा और लोअर पिस्टन जो होगा वो पुल फ्रंट होगा, मतलब बाहर की तरफ पुश फ्रंट होगा, पुल बैक होगा, अपर वाला पिस्टन जो होगा पुश पुल बैक होगा और लोअर वाला पिस्टन जो होगा वो पुश फ्रंट होगा, आगे की तरफ होगा, सिलेंडर ब्लॉक में इंसर्टेड रहेगा ऐसे करके। तो इसी केस को आप लोग कंसिडर करना है यहाँ पर। अब देख लेते हैं आगे पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्यू टू दिस अपर पिस्टन क्रिएट सक्शन, उसके वजह से क्या हो रहा है अपर पिस्टन जब बैक साइड जाएगा तब क्या होगा वहाँ पर सक्शन क्रिएट होगा एंड शक द फ्लूड इनटू द सिलेंड्रिकल ब्लॉक इनलेट, उसके वजह से क्या होता है फ्लूड को शक कर लेता है अंदर के साइड में। द स्वैश प्लेट इज कनेक्टेड टू इनपुट शाफ्ट विच रोटेट ऑल द पिस्टन एंड सिलेंड्रिकल ब्लॉक, ऑलरेडी जानते हैं स्वैश प्लेट जो होता है वो इनपुट शाफ्ट से कनेक्टेड होता है, जिसके वजह से सारे पिस्टन जो होते हैं वो रोटेट होते रहते हैं एंड सिलेंड्रिकल ब्लॉक भी रोटेट होते रहता है। ड्यू टू विच अपर पिस्टन कम एट बॉटम एंड पुश्ड ऑन द पम्प्ड पुश्ड और पम्प्ड, इसके वजह से क्या होता है जब अपर पिस्टन जो था जो बैक साइड आया था उसमें तो लिक्विड फील हो गया था सिलेंड्रिकल ब्लॉक में, अब जब वो नीचे की तरफ आ रहा है एक सिंगल पिस्टन, इसी को अगर हम लोग कंसीडर करेंगे जब ये सबसे लास्ट पोजीशन पे नीचे वाले पोजीशन पे आ जाएगा तो उसके वजह से क्या होगा बॉटम पे आने पे वो लिक्विड को पम्प्ड करते हुए डिस्चार्ज के साइड में भेज देगा, मतलब डिस्चार्ज कर देगा उसको। लोअर पिस्टन पुश्ड फ्रंट ड्यू टू द इंक्लिनेशन ऑफ स्वैश प्लेट, और लोअर पिस्टन जो होता है वो पुश्ड फ्रंट होता है, जैसे जैसे फिर वो रोटेट करके आता है, जैसे ऊपर में क्या हो गया वैक्यूम क्रिएट हुआ लिक्विड फील हो गया, जब वो लोअर साइड में आ जाता है तब क्या करता है वो लिक्विड को पुश्ड करते हुए बाहर की तरफ वो सप्लाई कर देता है, बिकॉज स्वैश प्लेट है कुछ एंगल पर है वहाँ पर, तो ऊपर साइड वाला लिक्विड ऊपर साइड वाला पिस्टन जो होगा वो लिक्विड को इन करेगा और नीचे साइड वाले जब वो नीचे पोजीशन पे चला जाएगा बॉटम पोजीशन पे चला जाएगा तब वो लिक्विड को पुश्ड करते हुए बाहर कर देगा जब इंक्लिनेशन ऐसा होगा तब। अगर इंक्लिनेशन हम लोग ऐसे कर देंगे तब उस केस में हम उल्टा हो जाएगा, उस केस में रिवर्स हो जाएगा, लोअर पिस्टन यहाँ पर इनलेट का रीज़न होगा और अपर पिस्टन जो होगा वो डिस्चार्ज का रीज़न होगा, अपर पिस्टन के बाद वहाँ डिस्चार्ज होगा। तो कंडीशन आप देख लीजिएगा, एक किसी एक को ही फॉलो करके हम लोग बात करेंगे, दोनों कंडीशन का टाइम नहीं बात कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया जो भी इससे रिलेटेड कंस्ट्रक्शन था वर्किंग था, ये चीज़ें हमने देख लिया। एडवांटेजेस आप खुद से भी लिख सकते हो कि हाई प्रेशर पे ये वर्क किया जाता है, ये यहाँ पर सेल्फ प्राइम्ड होता है, यहाँ पर हम लोग इस वेरिएशन भी कर सकते हैं जैसा हम लोग का रिक्वायरमेंट होगा डिस्चार्ज का, उसके हिसाब से हम नंबर ऑफ पिस्टन भी चेंज कर सकते हैं, मतलब उसका डिज़ाइन भी हमें चेंज करना होगा, ये थोड़ा सा हमें डिफिकल्टी हो सकता है, बट यहाँ पर हम लोग
कैपेसिटी को अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट होगा वीडियो के कमेंट में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर एक टेलीग्राम पे भी अपना ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ पर भी क्वेश्चन जो भी है आप इससे रिलेटेड पूछ सकते हैं। जिससे कि हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया है और पंप का लेक्चर जो भी हमारा रिमेनिंग था सिक्स सेमेस्टर का इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर का वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। इसके बाद के सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, मैं अरेंज कर दूंगा सीरियली, जिससे कि जो भी आपका टॉपिक था सिलेबस वाले सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप चाहें तो आगे का भी लेक्चर साइमल्टेनियसली देख सकते हैं, आप आगे भी कम्प्लीटली कंप्लीट उसको कर सकते हैं। नोट्स चाहिए होगा तो आप PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो अवेलेबल है उसका लिंक, आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सारे एक प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर का, IFP का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप देख लीजिएगा, इसी चैनल पर है। वहाँ पर सीरियली अरेंज कर दिया गया है, कोई कोई वीडियो डबल दिया गया है, कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, डबल इसलिए दिया गया है बिकॉज वहाँ पर सिलेबस में भी आपका न्यूमेटिक में भी वही चीज़ दिया हुआ है और हाइड्रोलिक सिस्टम में भी वही चीज़ दिया हुआ है, मतलब यूनिट टू में भी कुछ चीज़ें सेम है और यूनिट फोर में आई थिंक या यूनिट फाइव में आपका वो चीज़ें सेम है, उसी तरह से यूनिट सिक्स में भी कोई चीज़ सेम है, जैसे कि मीटर इन सर्किट, मीटर आउट सर्किट, यूनिट थर्ड में भी पढ़ना है और यूनिट आपका वो सिक्स में भी पढ़ना है। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पर पंप पढ़ रहे हैं, पंप के बाद फिर हम लोग एक्चुएटर पढ़ना है, तो एक्चुएटर आपको यहाँ भी पढ़ना रहेगा, हाइड्रोलिक सिस्टम में भी, एक्चुएटर आपको न्यूमेटिक सिस्टम में भी पढ़ना होगा, मतलब सेकेंड यूनिट में भी पढ़ना होगा और फिफ्थ यूनिट में भी पढ़ना होगा। फिर आपको वाल्व जो है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, ये सब आपको हाइड्रोलिक सिस्टम मतलब यूनिट टू में भी पढ़ना है, यूनिट फिफ्थ में भी पढ़ना है। तो बहुत सारी चीज़ें सेम वीडियो अपलोड किया गया है बट उसका दोनों जगह पर आपका सीरियली अरेंज कर दिया गया है कि आप उसको फिर कहीं और सर्च ना करो, एक ही जगह आप देख लो और सीरियली अरेंज कर दिया गया है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको आप वहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हो, बिकॉज सारी चीज़ें एक जगह आपको अवेलेबल कर दी गई है। कुछ चीज़ें कुछ वीडियो सेम है बिकॉज सिलेबस भी आपका सेम दिया गया है, इसलिए एक जगह भी आप देख लोगे तो दूसरा जगह आपका कवर हो जाएगा। ऑलरेडी वीडियो में भी बताया गया है, बहुत सारे लेक्चर में भी मैंने बता दिया था कि हाइड्रोलिक की जगह न्यूमेटिक कर देना है, न्यूमेटिक की जगह हाइड्रोलिक कर देना है, लिक्विड यूज़ कर रहे हैं तो हाइड्रोलिक हो जाएगा, गैस यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा न्यूमेटिक हो जाएगा, बिकॉज वाल्व तो हमारा सेम ही है, प्रेशर कंट्रोल वाल्व है तो वो जो दोनों जगह वैलिड है, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है वो दोनों जगह वैलिड है, उसका कंस्ट्रक्शन फंक्शन दोनों जगह वैलिड है, तो बहुत सारी चीज़ें सेम है इसलिए आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर लेक्चर को स्टॉप करते हैं, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, देखने के बाद लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच, गुड बाय।